क्यों? आंग पुई नानो आंग पुई लानो नरक नो खुलुंग मास कांगिया फारो खुलुंग खा जतो नानो नो एवरीवन जो यहाँ में है आज हमारे वाइस चांसलर साहब हाउ आर यू डूइंग सर देन द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माई सिस्टर वी हैव सम एस्टीम गेस्ट महाराज साहब कवर्धा माई सिस्टर इन टैको कन्वेनर प्रज्ञा देवी मेरे मिनिस्टर ऋषिकेतु देव वर्मा MLAs मेरे CM मेरे EMs और MDCs फॉर्मर MDCs यहाँ में हमारे CEO है CK चमातिया जी एंड टू ऑल माय तिपरासा पीपल सबसे पहले आज आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे यहाँ में बुलाया गया कल भी प्रोग्राम है और आज शुरुआत है आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन इनवाइटेड हियर टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन द लाइफ ऑफ महाराजा वीर विक्रम महाराजा वीर विक्रम सिर्फ मेरा ग्रैंडफादर नहीं था ही वॉज द फादर ऑफ द त्रिपुरा नेशन और मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज देर आर लॉट ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल से है मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग आज जो हमारा परिस्थिति है त्रिपुरा में अगर महाराजा वीर विक्रम और थोड़ा साल जिंदा रहता तो शायद ये परिस्थिति आज नहीं रहता आज तिपरासा लोग काफ़ी आगे रहते लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में महाराजा इस दुनिया में नहीं रहे उनका उम्र ही वॉज ओनली 39 व्हेन ही पास्ड अवे अगर वो थोड़ा दिन ज़्यादा रहते तो उनके किताबों से उनके आइडियाज से एक बात तो मालूम पड़ रहा था दैट महाराजा वीर विक्रम वॉन्टेड टू गिव अ लॉट मोर टू आर पीपल कम उम्र में उनका देहांत हुआ ही लिव्ड वेरी ही हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ बट इन हिज टाइम उन्होंने 3 या 4 चीज जो किया वो आज तक कोई भी सरकार कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी होम मिनिस्टर नहीं कर पाया हिंदुस्तान में सबसे पहले उन्होंने हमें 1939 एंड 1940-41 में गेजेट लैंड नोटिफिकेशन पास करके तिपरासा को जमीन का अधिकार दिया लैंड रिजर्वेशन सिस्टम महाराजा ने वो बात अलग है कि 1960 और 1974 के TLR एक्ट के बाद हमारा ही तिपरासा को भूमिहीन किया गया लेकिन जमीन का अधिकार सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने आज से 80 साल पहले हमको दे दिया था कानून पास करके आईन में कानून पास करके हमारे तिपरासा लोगों को जमीन का अधिकार दे दिया गया था महाराजा ने समय देखकर एयरपोर्ट बनाया महाराजा ने वो जो एयरपोर्ट आज जहां में हवाई जहाज लैंड करता है वो एयरपोर्ट अभी नहीं बना है वो एयरपोर्ट आज से 80 साल पहले 84 years ago महाराजा ने बनाया GB हॉस्पिटल महाराजा के टाइम कंसेप्चुलाइज हुआ आज अगर हम लोग TTADC को समझ सकते हैं तो TTAADC जो आज ADC एरिया है वो उस एरिया से बना है जिसको महाराजा ने लैंडमार्क करके यमा करके दिया है क्योंकि उस समय महाराजा को मालूम पड़ चुका था
महाराजा वीर विक्रम को मालूम पड़ चुका था कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होने वाला है, हिंदुस्तान का विभाजन होने वाला है, इंडिया वॉज गोइंग टू बी डिवाइडेड। और महाराजा जानता था कि हमारे तिप्रासा के पास कुछ नहीं रहेगा अगर जमीन हमारे पास नहीं। तो उन्होंने अपने तिप्रासा लोगों को अधिकार दिया, उन्होंने खुद अपना संविधान बनाया। लेकिन हर परिवार में, हर जगह में कोई कोई लोग रहते हैं जो अपना सर्वनाश खुद करते हैं। और हमारे महाराजा के टाइम में भी महाराजा को कमजोर करने के लिए अपना ही तिप्रासा लोग था, कुछ लोग जिन्होंने महाराजा को गिराने के लिए साजिश किया ईस्ट पाकिस्तान के साथ। आज वो लोग कुछ भी बोले, लेकिन इतिहास में, कानून में और हिस्ट्री बुक्स में क्लियरली लिखा गया है कि महाराजा को हटाकर पाकिस्तान का राज हिंदुस्तान में, त्रिपुरा में कौन करना चाहता था। पार्टी बदलने से आपका इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन ये बात है। महाराजा ने अपने टाइम कुछ और किया। महाराजा ने अपने टाइम एक ऐसा कानून लाया जहां में भेदभाव नहीं होगा। महाराजा ने हमारे यहां में इतना जो सिकली है, हम लोग का बच्चा लोग है, लड़की लोग है, आप जानता आज से 100 साल पहले महाराजा ने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बस का इंतजाम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जब तक लड़की का शिक्षा नहीं होगा दोहा आगे नहीं बढ़ेगा। तो महाराजा ने 100 साल पहले, आज आप लोगों को ऑटो में पांव से हट के साइकिल में स्कूल जाना पड़ता है, महाराजा ने 100 साल पहले आप लोगों के लिए बस का इंतजाम बना किया था कि आप लोग जब स्कूल में जाए तो आप लोगों का आराम से आप लोग को शिक्षा मिले। क्योंकि महाराजा समझ चुका था कि जब तक हम लोग औरत को नहीं उठाएंगे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा, जो मुख्यमंत्री बना, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा हायर एजुकेशन के लिए। वो बात अलग है कि बाद में शिक्षा लेकर दशरथ देव किसी और के हाथ में चला गया और वो महाराजा के खिलाफ हो गया, लेकिन शिक्षा महाराजा ने दिया, महाराजा के ट्रेजरी से आया और महाराजा ने दशरथ देव को चांस दिया कि एक अपना अच्छा कल करे। दशरथ देव तो महाराजा का कोई परिवार का नहीं था, तभी भी महाराजा ने किया, क्योंकि महाराजा चाहता था कि अपना कम्युनिटी उठे, हम कंपीट कर सके। लेकिन 75 साल में हमने क्या देखा है, जो सिस्टम महाराजा ने बनाया, जिसको चौधरी बनाया, जिसको ओकरा बनाया, जिसको हदा बनाया, जिसको चांताई बनाया, जिसको कास्काओ बनाया, वो सबको हटाया गया। आज जिस महाराजा ने रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर का एक सम्मान दिया, आज उस महाराजा को अगरतला में, ये अभी एयरपोर्ट में स्टैचू निकला, वरना एक चीज महाराजा के नाम में एक स्टैचू नहीं था कहीं में। जिस महाराजा ने जगदीश चंद्र पॉल को विदेश भेजा, जेसी बोस को, और कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने इनको सपोर्ट किया है, जिस महाराजा ने शांति निकेतन में हर साल पैसा भेजा, आज शांति निकेतन में महाराजा का कहीं भी नाम नहीं।
आज यहाँ में हमारे MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोई प्रोग्राम में आपको बुलाते हैं, अगर आप 5,000 रुपया भी देता है ना, तो हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट करो कि मंत्री ने 5,000 रुपया दिया, मिनिस्टर ने 10,000 रुपया दिया, महाराजा ने हर साल शांति निकेतन में पैसा दिया, लेकिन आज तक किसी ने अक्नॉलेज नहीं किया कि महाराजा ने क्या क्या काम किया था, क्योंकि हमारा सोच अलग था। आज आप हमारे लीडर्स को देख लो, कहीं में ये आदमी के नाम में पार्क है, इस आदमी के नाम में आपका रेलवे स्टेशन है, इस आदमी के नाम में आपका पारा का स्कूल है, किसी के नाम में स्टेडियम है, लेकिन त्रिपुरा में 185 राजाज ने राज किया, लेकिन एक रास्ता अपने नाम में नहीं बनाया, एक मूर्ति अपने नाम में नहीं किया, क्योंकि हमको लगता था कि हम अपना गुनगुनाए, अपना नाम क्यों खुद अनाउंस करें। दिस इज द तिपरासा वे ऑफ थिंकिंग। जब हम लोग किसी को हेल्प करते हैं तो क्रेडिट लेने में हमको शर्म लगता है, लेकिन आज अगर एक आदमी बाथरूम कहीं में बना दे मार्केट में, तो बोलेगा मेरा नाम होना चाहिए बाथरूम के ऊपर, बाथरूम के ऊपर भी आपको अपना नाम चाहिए। जौहर देव बाथरूम डोनेटेड बाय जौहर देव टॉयलेट, हमने तो पूरा शांति निकेतन किया। महाराजा लोग आज सब लोग बोलते हैं कि धर्म के नाम में बात होता है, महाराजा हिटलर से मिला, रूजवेल्ट से मिला, मुसोलिनी से मिला, उनके संबंध सबके साथ अच्छे थे, जगदीश चंद्र बोस से मिला, उनके महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखा महाराजा को तो महाराजा ने रिप्लाई किया। आज जब धर्म के नाम में हम लोग बात करते हैं तो महाराजा के टाइम यहां में अगर कोई मोग है और चाकमा है, महाराजा के टाइम वेणु विहार बुद्ध मंदिर बना, महाराजा ने जम्पुई हिल्स में डोकुमा साइलो का परिवार को जो क्रिश्चियंस थे उनको सम्मान दिया, उनको राजा का आदर दिया। महाराजा वीर विक्रम के टाइम में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता था उजैंता पैलेस में। तो जो महाराजा आज से इतने साल पहले सेक्युलर था, आगे था अपने टाइम से, आज हमको क्या हो चुका है? ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, it is very unfortunate that today we have to fight for Maharaja to be acknowledged. Who has done this? Who tried to demonize the contribution of Maharaja? Today when people say, Chief Minister aa rahe hain, चीफ मिनिस्टर कमिंग, हमारे साथ हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी आए हैं, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। तो जब महाराजा वीर विक्रम ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद एक षड्यंत्र बताया गया, और यह षड्यंत्र किसने किया यह भी आपको समझना चाहिए। महाराजा के टाइम में त्रिपुरा में स्कूल की कमी नहीं थी, स्कूल किसने बंद किया?
महाराजा के समय में, आज आप उस समय आपके पास जमीन था, जमीन किसने हटाया? आज भी यहां में अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, यहां में बीजेपी हो सकता है, INPT हो सकता है, IPFT हो सकता है, मोथा हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, कोई भी महाराजा के रोल को खराब नहीं बोलेगा, सिर्फ एक पार्टी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखो और उनके खिलाफ दुर्प्रचार करो। 2018 तक, 2017 तक जब भी मैं कहीं जाता था तो वहां के उस समय के मुख्यमंत्री बोलते थे, महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया, अस्पताल महाराजा ने बनाया, महाराजा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने क्या किया, आप तो 25 साल तक मुख्यमंत्री थे, आपका सरकार था 35 साल 40 साल, आपने क्या किया? नहीं, तभी भी महाराजा के नाम में हमको और महाराजा को खराब नाम देकर अपना पॉलिटिक्स कर देते। दिस इज द प्लानिंग, दिस इज द माइंड सेट दैट यू ब्लेम पीपल हु आर नो लॉन्गर अलाइव, यू ब्लेम पीपल हु आर नो लॉन्गर अलाइव टू हाइड योर ओन मिस्टेक्स। टुडे If I fail in delivering to my people, I can't blame Nipen Chakrabarti. I can't blame Dashrath Dev. I have to admit we have not been able to deliver. But for someone to blame a man who is no longer alive, who passed away in 1947 before India was even born, and to criticize him for 60 years, to demonize him, to make him look like a villain, what was the need? And I have seen the hatred towards our family. मैंने देखा है मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ, मैंने देखा है मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मैंने देखा है मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, और आप झूठ बोलकर सत्य को पूरा जिंदगी नीचे नहीं रख सकते हो। यू कैन नॉट हाइड द ट्रूथ, द रियलिटी यू कैन नॉट हाइड। मैंने देखा है अगरतला एयरपोर्ट में मेरी मां वीर विक्रम का डॉटर इन लॉ, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर, उनको वीआईपी रूम से कैसे एक पीओ ने बोला गेट आउट 2015 में, मैंने देखा है। अगर आप कम्युनिस्ट के पार्टी के कोई कॉन्ट्रैक्टर होते तो वहां में आपको चाय दिया जाता, कॉफी दिया जाता, लेकिन जिस एयरपोर्ट महाराजा ने खुद बनाया उसके डॉटर इन लॉ को बोला यहां से हट जाए, यहां में आपका अलाउड नहीं, मैंने देखा है। दरकार था नहीं, लेकिन छोटे लोग छोटी चीजों से उनका दिल भर जाता है। आई एम ग्रेटफुल that when the new government came, the first thing they did was they honored Maharaja Bir Bikram by naming the airport after him. और जब ये हुआ उस समय मैं कांग्रेस में था तो सबने मुझसे पूछा आप कैसे थैंक यू बोल सकते हैं, हम बोला जब अच्छा काम होगा तो मैं थैंक यू बोलूंगा। क्या हो चुका है कि हमने हर चीज में भेदभाव कर दिया है। अगर आप महाराजा के बारे अच्छे बोलेंगे तो जितेंद्र चौधरी अच्छा आदमी नहीं है, जितेंद्र चौधरी CPM है तो उनको महाराजा के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमने सब चीज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है,
अगर आप इस धर्म के हैं तो आप इनको खराब बोलेंगे, अगर आप उस धर्म के हैं तो आप इनको खराब बोलेंगे। आज सब चीज बटा जा रहा है। उस दिन जब मैं गया कहीं में, किसी ने कहा कि ये गेंदे का फूल है तो ये हिंदू होगा, और वो पत्ता का फूल है तो वो मुस्लिम होगा। ये क्या बात है भाई, फूल फूल है। हम वी आर ऑल इंडियंस, वी हैव टू लिव टुगेदर। अब तो बकरा मुसलमान हो गया और गाय हिंदू हो गया, ऐसा नहीं चलता देश। वी हैव टू ऑल कम टुगेदर। और हमको सीखना चाहिए जो महाराजा ने किया। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, दुख लगता है। महाराजा ने वहां में, महाराजा बीर चंद्र ने लाइब्रेरी बनाया वहां में। हमारे लोग हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, बंगाली हैं, ट्राइबल्स हैं, सब हैं। लेकिन धर्म के नाम में आप किसी को धर्म के नाम में किसी को आप अन्याय करोगे? तो आप समझ सकते हैं कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, यही चीज 46, 49, 56 में और हुआ था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। तो जो लोग बोलते हैं कि महाराज ने गलती किया लोगों को आने दे, उस समय अगर नहीं देते तो सब मर जाते। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी, दिल में एक हृदय होना चाहिए। हाउ कैन यू अलाउ पीपल टू बी मैसेकर्ड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन? एंड टुडे द कंट्री, द इंडिया हैज टू ऑल्सो थिंक फॉर आवर ओन इंटरनल सिक्योरिटी। जिस देश ने अपने शेख मुजीबुर रहमान के, हमने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान में भी बहुत आंदोलन हुआ है, लेकिन किसी ने जिन्ना का स्टैचू को तोड़ा नहीं पाकिस्तान में। शेख मुजीबुर रहमान का आपने स्टैचू को तोड़ दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने आपका राष्ट्रगान लिखा है, उसके मुख में आपने सेलो टेप लगा दिया, काला कर दिया। ये नफरत से क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं विपरीत बुद्धि। और अगर हमको त्रिपुरा को आगे ले जाना है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज हियर, एमपी इज देयर, वी हैव द वाइस चांसलर, वी हैव द मिनिस्टर, सीएम साहब इज हियर। इफ वी हैव टू टेक त्रिपुरा अहेड, वी कैनॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर, वी हैव टू फाइट टूगेदर टू टेक त्रिपुरा अहेड। वी कैनॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर। द गोल शुड बी, यहां में जो बच्चे लोग हैं, मेरा लक्ष्य है हाउ टू मेक यू, हाउ टू गिव यू अ बेटर टुमारो। आपका मां बाप कष्ट करके आपको स्कूल भेजता है, यहां में आप लोगों का प्रॉब्लम है मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको भी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, किसी और को भी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, और एक दूसरे को समझ के आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि आज गरीब पूरा राज्य है, और गरीब रखने के लिए हम आज जो गरीब हैं, इसको गरीब रखने के लिए ये सीपीएम पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोगों को आज गरीब रखा गया जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट बड़ा। सो आई वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको एक अच्छा कल देना चाहता हूं, हम आपको एक अच्छा कल देना चाहते हैं। और कभी कभी हमसे भी गलती होता है, वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स,
But our intention is not to keep you poor. Our intention is to empower you, not to exploit you. The problem with the other people is that they want to distract you. They want you on social media. They will say, अभी बंगाल में एक महिला के साथ एक बहुत खराब दुर्घटना हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कोई लिख रहा है सोशल मीडिया में, वो इस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। नहीं, अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। ही डज नॉट, ही और शी डज नॉट हैव अ पार्टी, ही और शी डज नॉट हैव अ रिलीजन, ही और शी डज नॉट हैव अ कम्युनिटी। एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस हेट्रेड। नफरत से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर हम, त्रिपुरा इज अ स्मॉल स्टेट, 4 मिलियन पीपल, 40 लाख लोग हैं हम लोग। अगर हम लोग आप लोगों को अपने फील्ड में एक अच्छा कल दे सकते हैं, इट विल बी समथिंग दैट महाराजा वीर विक्रम हैड थॉट लॉन्ग टाइम। मैं इनके बारे आज इतना बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अब क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, नहीं, मैंने इनको आज तक, मैंने जिंदगी में इनको देखा नहीं, मैंने अपने पिताजी को देखा, महाराजा किरीट विक्रम, मुख्यमंत्री जी ऑल्सो न्यू महाराजा किरीट विक्रम। उन्होंने 1959 में जीबी हॉस्पिटल के लिए 100 कानी जमीन दिया, 100 कानी जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए फ्री में। आज तो लोग 1 इंच जमीन का बंटवारा के लिए फाइट करते हैं, महाराजा ने, मेरे पिताजी ने 100 कानी जमीन दिया जीबी हॉस्पिटल के लिए। रिटर्न में महाराजा ने बोला था कि एक वार्ड महाराजा के नाम में होना चाहिए, और सामने में महाराजा का फोटो था, फोटो वार्ड भी महाराजा के नाम में था। लेकिन एक दिन जो पहले के सीएम थे, उनको लगा नहीं करना चाहिए महाराजा के नाम में, फोटो हटाओ, महाराजा का नाम हटाओ। उस आदमी ने अपना जमीन आपको फ्री में दिया, आप एक फोटो और एक वार्ड का नाम नहीं रख सकते। उससे महाराजा छोटा नहीं हुआ, उससे वो लोग छोटे हुए। और बिकॉज ऑफ दैट इनजस्टिस डन टू अ लेट किंग्स, हु आर पीपल हु नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन बंगालीज एंड ट्राइबल्स, हु नेवर लुक्ड एट रिलीजन, हु सपोर्टेड, आज कभी गुरु को सपोर्ट करने वाला महाराजा था, 3-3 महाराजा ने सपोर्ट किया। लेकिन जिन लोगों ने उनको दबाया, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं महाराजा वीर विक्रम के जन्मदिन के एग्जीबिशन के समय, कि उन लोगों को मैं उठने कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने महाराजा के नाम में हमारा थानसा को तोड़ा, महाराजा के नाम में हमको आपसे दूर रखा, महाराजा के नाम को खराब करके हमको एक दूसरे से अलग रखा। और जो लोग हम लोगों को अलग रखेंगे ना, मैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकता। वी आर वन एंड आई वॉन्ट टू थैंक द इंटैक्ट। आई नो दैट यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ पेन। यहां में प्रज्ञा कुमारी है, इनको मैंने जबरदस्ती पॉलिटिक्स में लाया, इनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा अपना लोगों के बारे कुछ करने के बारे सोचती है। और मैं चाहता हूं कि ये बदले भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं विदाउट कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। आपका सोच और आपका दिल सफा होना चाहिए मेरे बहन। यहां में आई थिंक I don't say this often, but I'll tell you. You are a very genuine person you stood with my father, with our father when he was unwell. You sacrificed the most. You have also
gone through a lot of personal turmoil. But I've seen that you've been resilient, you're simple, but that simplicity is a strength. So don't allow that simplicity to ever go away. Not because I am Bubagra, but as a younger brother, I appreciate, and I don't say that enough, but you are someone I have a deepest respect for, and even Mani also. To our Honorable Mukhyamantri Ji, inko itne last, he has just come because he respects the Maharaja. He has told me this many times. And I also request the Mukhyamantri Ji ki aap Khumulung TTADC aur aaiye. Main aapko yahan main apne haathon se bhangui khilana chahta hoon. Aap Tripura ke CM hain. Ye bhi Tripura hai. Ye aap hi ka hai. Aap yahan main aaiye. Aur kahin main agar itna jo zeher phailaya gaya hai Mukhyamantri Ji, जहर को हटाने के लिए समय लगेगा और उसके लिए मैं 3 कदम आगे बढ़ने के लिए और तैयार हूँ. लेकिन मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े और हमारा स्टेट आगे बढ़े और हम दोनों जाकर दिल्ली में बोले कि नॉर्थ ईस्ट में नंबर वन स्टेट त्रिपुरा है. और ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन वी हैव टू फॉरगेट टू लर्न. समटाइम्स यू हैव टू अनलर्न टू लर्न. समटाइम्स यू हैव टू लेट गो टू गेन समथिंग. एंड आई थिंक दैट इन इंडिया आर स्पिरिचुअलिटी, वी आर अ वेरी स्पिरिचुअल कंट्री. दिस इज द लैंड ऑफ बुद्ध. दिस इज द लैंड वेयर वी हैव हैड द वाइजेस्ट पीपल वॉक दिस अर्थ. स्वामी विवेकानंद, वी हैड such great thinkers, Mahatma Gandhi, and they have only taught us, let go of hatred, let go of anger, and don't allow people to divide you, because when we are divided, we are weak. When we are together, we are stronger. So, by saying all this to the Honorable Chief Minister, I'm sure he has to say a lot more than me. I would like to end my talk. Once again to the TTAADC, CK Jamatiyam ji, aapne ye organize kiya with Intact. I want to thank you. CM saab, thank you very much. Honorable MP ji, thank you for coming. I respect your availability here. And to all and every one of you, can I say something in the end? Main last mein ek baat bolu? Boliye. Boliye. Sab piche mein jo hai. I love you. देखो ये जो शब्द है ना, इसका रिस्पांस मिलना चाहिए, आई लव यू टू. हाँ कि नहीं? हाँ. सो आई लव यू. आया नहीं, पेट में गुदक नहीं है क्या? देखो जब प्यार देता है ना तो प्यार मिलता है. ठीक है, ओके. आज महाराजा के एग्जीबिशन के टाइम, कल उनका जन्मदिन है, यहां में पुलिस लोग भी है, मैं आपको भी बोल सकता हूं आई लव यू टू सर. आई लव यू. सीएम साहब ने नहीं बोला, लेकिन वो मैं प्राइवेटली ले लूंगा. बेलाई बेलाई नो हम भाई. महाराजा वीर विक्रम लॉन्ग लिव. पीपरासा दोफा लॉन्ग लिव. त्रिपुरा लॉन्ग लिव. थैंक यू सो मच.